अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मूमल। तो गाइज आज यार मेरे साथ ना बड़ा सीन हो गया। आज मैं मार्केट गई, मैंने सोचा जी चलो अपने व्यूअर्स के लिए कोई ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन अब श्रद्धा के साथ मुझे कहना पड़ा कि आज कोई मार्केट जो थी नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैं आ गई। अच्छा जी, काफ़ी लोग ना मुझसे कहते हैं कि मूमल सिस्टर आप बाहर वगैरह जाते हो तो आप क्या क्या लेकर जाते हो, मतलब क्या क्या अपने जो है बर्ड्स वगैरह में रखते हो। तो आज उस हवाले से जो है मैंने एक छोटा सा ये ब्लॉग बना रही हूँ आपके लिए। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके आने के साथ। तो गाइस आज मैं आपको बताऊँगी कि वर्ड्स इन माई बैग, कि मेरे बैग में क्या क्या सामान होता है, मैं क्या क्या लेके जाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये मेरा छोटा सा बैग है, और जो है ना बड़े बैग कैरी करना बिल्कुल लाइक नहीं करती। मैंने काफ़ी बड़े बैग लिए, लेकिन जो है ना मैंने बस वो ख़त्म कर दिए। तो अभी जो है ना ये जो है मैंने चेजअप से बाई किया था, ये जो बैग है ना ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसलिए मैंने 1250 का बाई किया था। जी हाँ, तो मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्या क्या रखती हूँ इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें लेकर जाती हूँ, तो चलें जी आपको वन बाई वन में वो दिखाती हूँ, वो बताती हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या सामान होता है। सो फर्स्ट आई कैरी क्या क्या मैं अपने बैग में रखती हूँ। तो ये देखिए जी, फर्स्ट मेरे बैग में हमेशा जो है ना चार्जर रखा हुआ होता है। चार्जर मैं हमेशा लेकर जाती हूँ, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी आपको जो है नीड पड़ सकती है एक्स वाई जेड। अपनी सिस्टर के घर जाओ, अपने कज़न वगैरह के घर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको चार्जर मोस्टली मेरे बैग में होता है। देन चलें और इसके अलावा मैं क्या क्या रखती हूँ आपको वो भी दिखाती हूँ। तो सेकंड ये देखिए जी, ये मेरे पास फ्लैश बोर्ड होता है, और ये हमेशा जो है ना मैंने अपने मोबाइल में कैरी किया हुआ होता है। और ये जो है ना ये फ्लैश पाउडर है बोटैनिक वालों का, तो मैं बोटैनिक का यूज़ करती हूँ। कभी भी अगर आपको कभी फ्लैश पाउडर की नीड पड़ जाए सो यू कैन अप्लाई दिस ईजिली, तो मैं ये अपने बैग में लाजमी रखती हूँ। और इसके अलावा क्या है मेरे बैग में, इसके अलावा ये देखिए जी कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, ये मैं अपने बैग में रखती हूँ कि कहीं गए तो बंदे का दिल चाहता है कि कुछ खा ले रास्ते वगैरह में, तो मेरे पास हर वक्त जो है कुछ ना कुछ दाल मोट वगैरह पड़ी रहती है। तो चलिए मैं और दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए जी, मास्क मैं लाजमी अपने पास रखती हूँ, लेकिन मैं सिंपल वाला मास्क वेयर करती हूँ, मैं वाला मास्क वेयर नहीं करती। मतलब मैं ये वाला वेयर करती हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, मैं आपको सच बताऊँ तो, इसलिए जो है ना मैं वाला मास्क अप्लाई नहीं कर पाती। मुझे सांस होता है, मुझे घुटन होता है, मैं नहीं पहन सकती, मैं सिर्फ कपड़े वाला मास्क यूज़ करती हूँ। वाला मास्क में मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मैं जस्ट ये यूज़ करती हूँ। और दूसरी चीज़ आते हैं टिश्यू, ये देखिए टिश्यू मेरे बैग में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। कभी भी आपको जो है किसी भी वक्त नीड पड़ सकती है हाथ साफ करने की, कभी भी आपको अपना फेस जो है क्लीन करने की नीड पड़ सकती है, तो ये हमेशा मेरे बैग में पड़े रहते हैं। तो टिश्यूज़ भी जो है मैं लाजमी लेके जाती हूँ। और देन नंबर वन यार मोबाइल, बिकॉज वी ऑल आर इनकम्प्लीट विदाउट मोबाइल। यू नो डेट के जिस तरीके से आजकल का इंटरनेट का दौर है, और वैसे भी आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, तो मुझे हमेशा जो है मोबाइल की नीड होती है। मोबाइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इन माई लाइफ। तो मोबाइल तो मेरे पास हर वक्त ही मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी मुझे वीडियो शूट करने की नीड पड़ जाती है, तो आई ऑलवेज टेक मोबाइल इन माई पर्स। और देन इसके अलावा क्या होता है मेरे पर्स में वो भी आपको दिखा दें। तो ये लिपस्टिक है जी, लिपस्टिक ऑलवेज इन माय पर्स, और लिपस्टिक आपको पता है कभी भी नहीं पड़ सकते, कुछ भी खाते पीते आपको लिपस्टिक हर जाती है, यहाँ समा हो जाती है, तो आपको कभी भी नीड पड़ सकती है। तो मेरी जो बॉब कंपनी लाइट सा पिंक कलर है, ये ऑलवेज इन माय पर्स, तो ये भी मेरे पास हमेशा होता है। चलें जी और दिखाते हैं और क्या क्या है मेरे पर्स में। मोलोर सो पेन हमेशा रखती हूँ, कभी भी आपको कुछ भी लिखने की नीड पड़ जाए, कभी भी आपसे कोई भी कुछ भी मांग सकते हैं, तो ऑलवेज पेन इन माई पर्स। पेन मैं हमेशा अपने पर्स में लाजमी रखती हूँ। सो और आपको बताती हूँ और मैं क्या क्या रखती हूँ अपने पर्स में। तो और ये देखिए जी, आई ऑलवेज टेक तस्वीर मेरे पर्स में होता है, कभी भी आपको नीड पड़ जाए, कभी भी जो है ना मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, तो आप कभी भी तस्बीह पढ़ रहे हो, तो तस्बीह हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ। ये तस्बीह हमेशा जब भी ना दिल चाहता है मैं अल्लाह का जिक्र इस पर कर लेती हूँ, तो ये हमेशा मेरे पास होती है। दैन इसके अलावा पर्स में और मेरे क्या होता है, और बस कुछ भी नहीं होता, और जस्ट आई टेक जस्ट मनी, जितना मुझे खर्चा चाहिए होता है, जितना मुझे खर्च करना होता है उस हिसाब से जो है बस मैं पैसे लेकर जाती हूँ। तो चाहे वो 2000 हो, 3000 हो, मतलब
जैसी जगह पे जाती हूँ उस हिसाब से जो मैं वहाँ के लिए खर्चा रखती हूँ। तो बस यही छोटा मोटा सा सामान होता है जी मेरे पर्स में, और बस मैं यही टेक करती हूँ। तो यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों ने पूछा मैं क्या, क्योंकि ज़्यादा सामान लेता भारी भी हो जाता है, फिर आपको मार्केट में चलने में फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बस मेरे यही छोटा सा जो है ना ये सामान होता है। तो आई होप गाइस आपको जो मेरा वीडियो है मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज के छोटे से वीडियो के साथ ब्लॉग के समझ इजाजत है जिंदगी रही, तो कल अगेन किसी न्यू ब्लॉग के साथ आपके में हाजिर होंगी। इसको अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लॉट्स ऑफ लव।